कहानी कहानी तो बहुत होती है हर किसी की ज़िंदगी में अलग अलग तरह की, और कुछ इसी तरह एक कहानी अपनी भी है, सफ़र के शुरुआत की कहानी। ।2019 सबकी लाइफ नॉर्मल थी, क्योंकि तब कहाँ किसी को अपनी जान बचाने के लिए चेहरे पे मास्क और हाथों में सैनिटाइजर लेके घूमना होता था। और सबकी तरह हम भी उड़ने की भीड़ में और भीड़ से अलग होने की भीड़ में लगे हुए थे। सोचा नई कंपनी में ज्वाइनिंग से पहले क्यों ना थोड़ा ताज़ी हवा ली जाए, और बस फिर चल दिए अपने पहले सोलो ट्रैक नाग टिब्बा। और इसके बाद फिर चस्का ऐसा लगा कि छोटी छोटी वीकेंड ट्रिप्स की आदत लग गई, कुछ ट्रिप्स लीड भी करी, कुछ में लोगों का दिल बहलाया, और इसके बदले इन पहाड़ों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। फिर क्या था, हमने भी इन पहाड़ों को अपनी आदत बना लिया। ज़्यादातर लोग अपने बर्थडे पे यानी कि अपने जन्मदिन पे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं, और मैं भी उन्हीं में से एक था। पर उस साल थोड़ा सा अलग करने का सोचा कि क्यों ना लोगों की जगह पहाड़ों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए। ट्रेन से कभी वादियाँ नहीं देखी थी और ना ही कभी टॉय ट्रेन देखी थी, तो जो कालका से शिमला का सफ़र था वो टॉय ट्रेन से तय किया। वैसे तो कालका से शिमला 90 किलोमीटर ही है, और अगर आप बाय रोड जाएं तो 3 घंटे में पहुंच जाते हैं, पर आप यकीन मानिए यही सफ़र ट्रेन से 6 घंटे में भी मुझे कम लग रहा था, क्योंकि ये जो नज़ारे थे इनसे मेरा मन ही नहीं भर रहा था। अब ये जो चर्च है, ये देख के तो कोई भी बता सकता है कि आप शिमला में हैं, और इस जगह को कहा जाता है रिच। तो यहाँ से बेसिकली शिमला की मॉल रोड को रास्ता कनेक्ट होता है, और एक सेंट्रल पॉइंट कह सकते हो आप इसको, और सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हो क्योंकि जो शिमला आए यहाँ फोटो ना खिंचवाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ।8 सितंबर यानी कि मेरा जन्मदिन। अब ऐसा कोई प्लान नहीं था, इसे आप एक इत्तेफाक ही कह सकते हो कि आज के दिन मेरी जो पहली डेस्टिनेशन थी घूमने की वो था शिमला का झाकू टेंपल। शिमला की सबसे ऊंची पीक कहे जाने वाली जगह पे ये झाकू टेंपल है, और उतनी ही ऊंची ये हनुमान जी की प्रतिमा, जो शायद 106 से 108 फीट लंबी है, और इससे मेरे को अपने शहर का हनुमान धाम भी याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी 104 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा है। तो इन ऊंचाइयों से थोड़ा सा नीचे आते हुए सोचा चंडीगढ़ को भी छू ही लिया जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये रॉक गार्डन ही देखा था कि मुझे खुद भी नहीं पता चला मैं कब वहाँ से अमृतसर पहुँच गया। गोल्डन टेंपल, सच कहूँ तो इतनी आस्था तो नहीं है, पर सुकून तो मिलता है इस जगह पर। और सुकून के साथ साथ ये लजीज कुलचे भी। और जब आप अकेले होते हो तो ये एक आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपकी कोई बाउंडेशन नहीं है, जहां मन किया वहां चले गए। तो
तो अभी मेरे साथ यही हो रहा था, शिमला, शिमला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से अब अमृतसर। जो ये हरे भरे पेड़ और ये बड़ा सा चहकता हुआ मैदान आप देख रहे हैं, ठीक इसी जगह पे कुछ साल पहले कोहराम और लोगों की मदद मांगती हुई चीखें थीं, जिसका शोर आज भी आप इस जलियांवाला बाग में सुन पाओगे। और इसके बाद क्या, इसके बाद मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं खुद को कहाँ मिलूंगा। तो चलिए देखते हैं। कभी किसी से प्यार किया, कभी किसी को दिल दिया, मैंने भी दिया और मैंने भी दिया। आखिर दिल है, कहाँ किसी की सुनता है किसी का होने से पहले, जैसे इन दिनों ये पहाड़ों का हो चुका है। जिंदगी में कुछ सफर खूबसूरत होने के साथ साथ कीमती भी होते हैं, और मेरी ये जिभी की ट्रिप उन्हीं कीमती सफर में से एक थी। पर जिंदगी का एक उसूल भी है कि आपको चलते रहना है। तो बस अब हम चलते चलते पहुंच गए हैं मनाली। दिसंबर का महीना था और क्रिसमस का वीक, और यही रीजन है कि ये सोलांग वैली बर्फ और मुसाफिर दोनों से ही ढकी हुई है। मैं किसी और कहूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। और ये जो चीखता चिल्लाता हुआ व्यक्ति आपको दिखा था, ये थे हमारे तन्मय खंडूजा साहब, जिनको ऊंचाई से लगता है डर, और इस रोपवे से निकलने के बाद उसने 10 बार सोचा कि वो रोपवे में हमारे साथ गया ही क्यों था। केदारकंठा, जो कि अब विंटर्स का बहुत फेमस ट्रैक बन चुका है, पर अगर बात 2019 की जाए तब इतना पॉपुलर नहीं था, और शायद कुछ दिन पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि ये ट्रैक मेरे को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देगा। ये मेरे लिए एक सोलो ट्रिप थी, और पहली ऐसी ट्रिप जिसमें मैं 5 से 6 दिन सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ बिताने वाला था, और मोबाइल फोन सिर्फ इन नज़ारों को कैद करने के लिए था, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क तो था ही नहीं। ये है जूदा का तालाब, हमारी पहली कैंपसाइट लोकेशन, और एक लंबा ट्रैक करने के बाद यहाँ पे जो नज़ारे दिखे उससे पूरे दिन की थकान चली गई थी। इन पहाड़ों से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये ट्रिप को मैंने लाइफ चेंजिंग इसलिए ही कहा था क्योंकि ये ट्रैक करने के बाद मुझे समझ आ गया था कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है अगर आप खुद से खुश ना रहो। देख रहे हो भैया,
This is the first day of 2020. This is the first morning of 2020. And this would be the first sunrise of 2020. And I am there. आज जब मैं ये वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी होगी तो मुझे पता नहीं था कि मैं कभी व्लॉगिंग शुरू करूँगा। और इसे कोइंसिडेंस कह लो कि आज 2022 में केदारकंठा मेरे व्लॉग में है। कुछ और तो पता नहीं, पर 12,500 फीट की ऊंचाई पर आके अपना वजूद ज़रूर मिल गया। और ये भी समझ में आ गया कि ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी कुछ खो के भी बहुत कुछ हासिल हो जाता है। और जब तुम्हारे पास खोने के लिए भी कुछ ना हो तब खुद में खो जाना ही बेहतर होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। थोड़ी सी अलग थी मेरी बाकी वीडियोस से। फिलहाल चलते हैं और मिलते हैं एक नए सफर पे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड टेक केयर।